नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर चंदनगर पुलिस ने ऐसे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने सोने घर में घुसकर नकाब जनी की वारदात को अंजाम दिया था और 3 महंगे मोबाइल ले उड़े थे। पूरी घटना को पुलिस ने महज 2 घंटे में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मंगलवार को चंदनगर थाना क्षेत्र के गीता कॉलोनी में नकाब जनी की घटना सामने आई थी जिसमें 2 बदमाश 3 महंगे मोबाइल ले उड़े थे। वहीं मुखबिर की सूचना के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया, इसकी निशानदेही पर उसके साथी को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी से 3 मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना को भी अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है जिनसे और भी खुलासे होने की उम्मीद है। गीता नगर में एक नकबजनी हुई थी, इसमें फरियादी के घर से 3 मोबाइल चोरी चले गए थे, इस पर से मुकदमा दर्ज हुआ था। CCTV फुटेज निकाले गए जिसके आधार पर एक व्यक्ति की शिनाख्त हुई, जिसकी तलाश करते व्यक्ति मिला, जिसके कब्जे से 2 मोबाइल जब्त किए गए। फिर उससे पूछताछ की गई बाकी के मोबाइल, तो उसने बताया कि मेरे एक साथी जिसने साथ मिलकर मेरे साथ चोरी की थी उसके पास है, तो उसकी तलाश करते उसे गिरफ्तार कर उससे मोबाइल जब्त किया गया। बाकी चोरी में जितने भी मोबाइल गए थे सभी जब्त कर लिए गए। हाँ, इनसे 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं चोरी के, बाकी इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने मोटरसाइकिल चोरी करना भी बताया है, जिसकी पूछताछ की जा रही है इनसे। अभी तक 2 घटनाएं सामने आई हैं कि 2 चोरी की हैं, बाकी इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं जो डायरी में शामिल कर लिए गए। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।